हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा मशीन से। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मशीन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है, बड़ी बड़ी सिलाई हो रही है, धागा बार बार टूट जा रहा है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो इस जगह हमने कपड़ा लिया है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं, सिलाई हमारी लग रही है या धागा बार बार टूट रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह की सिलाई है हमारी, और इस जगह देखिए एक सिलाई लगी है, मात्र एक सिलाई लगी है और बाकी तो सिलाई लगी ही नहीं है, और इस जगह धागा हमारा टूट भी चुका है। देख रहे हैं, धागा हमारा इस जगह टूट चुका है। तो ऐसी सिलाई करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और नीचे के साइड भी देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए इस तरह की नीचे की भी सिलाई लगी है, यानी टोटली हम बोल सकते हैं सिलाई हमारी लगी ही नहीं है मशीन में। ठीक है, तो फ्रेंड हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, मशीन की सुई को चेक करेंगे, क्योंकि मशीन में क्या होता ना, सुई एक ऐसी प्रॉब्लम होती, अगर आप सुई गलत लगाए हैं, सुई अगर 16 नंबर की नहीं लगाए हैं, ठीक है, ओरिजिनल सुई नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी मशीन में होगी। और अगर सिलाई नहीं होती है कपड़े में तो मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा फील होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस जगह सुई को, सुई खोलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। ठीक है, आप सुई को ध्यान से देखना, तो देख रहे हैं रेशा वाला भाग हमारे सामने है और चपटा वाला भाग पीछे है। ठीक है, तो इसे हम पहले खोल लेते हैं। तो जैसे ये रेशा वाला भाग देख रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड होना चाहिए और चपटा वाला ये राइट साइड होना चाहिए। मशीन में हमारा सुई ही उल्टा लगा है तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड, सुई आपकी 16 नंबर की होनी चाहिए, और देखिए इसे हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। रेशा वाला जैसे मैंने बताया आपको, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, रेशा वाला हमारे लेफ्ट साइड होना चाहिए और चपटा वाला हमारे राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको सुई में धागा लगा के और सिलाई लगा के दिखाते हैं कि हमारी सिलाई लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, एक बार भी हमारा धागा नहीं टूटा और हमारी सिलाई देखिए एकदम परफेक्ट हुई है। तो रीजन क्या था, हमारी सुई रीजन थी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सुई को सही तरीका से लगाइए आप। मुझे बहुत सारे कमेंट रहते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं सबको कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए आप मेरे चैनल में जाइए, वीडियो को देखिए अच्छे से और उसे उसी तरीका से सेट कीजिए जैसे मैं सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर ले। मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। मिलते हैं मशीन की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।